एक बार क्या हुआ, एक गांव था, वहां सभी लोग दारू पीते थे, बच्चे से लेके तो लेडीज तो जेंट्स तो सभी लोग मस्त जबरदस्त दारू पीते थे। एक सोशल वर्कर वहां पे आया और सोशल वर्कर ने बोला कि यार मैं इस गांव को सुधारूंगा, क्या करूंगा। अब लगभग लगभग 1 साल तक प्रयास हुए, कितने साल तक, और 1 साल के प्रयास के बाद भी एक भी इंसान ने दारू पीना नहीं छोड़ा। बोले यार अब क्या करूं। बोले काम करता हूं, सबको एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाता हूं। और सबको एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाते हैं, बोले मैं तुमको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। उन्होंने सबको बिठाया, गांव वालों को बोला देखो एक सादा 2 पानी के गिलास लिए, 2 गिलास, एक में उन्होंने दारू को डाला, एक में उन्होंने पानी को डाला, और 2 कीड़े लिए, क्या लिए, उसमें डाल दिए। अब वो जैसे ही डाले, वो जो पानी वाला कीड़ा था वो तो आराम से तैर रहा था, लेकिन दारू वाला कीड़ा जो था ना वो मर गया। तो बोले किसी को कुछ समझ में आया, सब बोलते, एक ने हाथ उठाया बोले क्या आया, कुछ नहीं। दूसरे ने हाथ उठाया, क्या आया, कुछ नहीं। तीसरे ने हाथ उठाया बोले क्या आया, कुछ नहीं। चौथे ने हाथ उठाया, अब उसका नाम था मनु भाई, बोले क्या आया, बोले सर समझ में आया कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। क्या हो जाता है, दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इट मीन्स वो जो एटीट्यूड था ना वो क्या था कि सोचने का तरीका जो था ना कि मैं जो सोच रहा हूं ना वैसे ही सोचूंगा, मैं जो सोचूंगा वैसा ही सोचूंगा, कि मेरे दिमाग में पहले से वो दारू पीना बैठा हुआ था ना, इसीलिए उसने उसको भी पॉजिटिव एंगल में ले लिया। समझ में आया। तो एटीट्यूड इज व्हाट, क्या होता है, एटीट्यूड इज अ मैग्नेट, जो आप अपने दिमाग के अंदर होता है ना उन्हीं चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड डेवलपमेंट क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जाएगा ना वही चीज ब्रेन में से बाहर आएगी, जो हमारे ब्रेन के अंदर जाएगा वही चीज बाहर आएगी। अब इसका डेवलपमेंट होता कैसे बचपन से, सबसे पहले नंबर पे होता है कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हो। कभी भील मामा के बच्चों को देखा आप लोगों ने, वो जो मजदूरों पे काम करते हैं, उनको आप बोलो कि यार आप एक काम करो आप मर्सिडीज ला सकते हो, वो सोच सकते हैं इतना, क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि उनके पापा को उन लोगों ने कितना कमाते हुए देखा है, 300 रुपए दिन भर मेहनत करके, तो वो क्या सोच सकते हैं मैं 500 कमा सकता हूं, कितना। उनका बिलीफ सिस्टम, उनका दिमाग उसी तरह से काम करता है। फिर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स जो होंगे ना वैसा ही आपका एटीट्यूड ग्रो होगा। अब फ्रेंड्स बिल्कुल सोच रहे हैं, खेलने में लग रहे हैं, हम भी खेलने में लग जाएंगे, वो बड़े सोचने वाले होंगे तो हम भी बड़ा सोचने लग जाएंगे, फ्रेंड्स मैटर करता है। थर्ड नंबर पे पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज, बहुत सारी चीज न्यूज से डेवलप होती है हमारे अंदर। हमने सुना कि यार बहुत मद्दी है, क्या बोलते हैं अभी, क्या बोल रहे थे सर, बहुत मद्दी है, तो 90% लोग जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो बोलते हैं बहुत मद्दी है। लेकिन इसी समय पे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 3 साल में बिजनेस को डेवलप करके 100 करोड़ 200 करोड़ तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड क्या होता था, मद्दी का, इनका एटीट्यूड तेजी का, उन्होंने उन लोगों की बात नहीं सुनी। न्यूज से भी हमारा दिमाग डेवलप होता है। इसके बाद होता है सक्सेस बुक्स, आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हो। आज जो मैं आपके पास आया हूं ना, मेनली आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करने आया हूं कि अगर आपको बड़ा बनना है ना तो कोर्स की बुक के साथ कुछ और बुक्स भी पढ़ना पड़ेगी, कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ तुमको रहना सीखना पड़ेगा, साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव वीडियोस। हम यूट्यूब चलाते हैं ना, अब हम क्या बनेंगे वो डिपेंड करता है हम क्या देखते हैं। यहीं पे कुछ लोग सक्सेस वीडियोस देख रहे होंगे, मात्र 3%, कितने इस उम्र में भी 3% बच्चे सक्सेस वीडियोस देख रहे होंगे, और इस उम्र में भी बहुत सारे दूसरे वीडियोस, मतलब एक फॉलोअर बनने की कोशिश कर रहा होगा, एक फॉलो कराने की कोशिश कर रहा होगा कि लोग मुझे फॉलो करें, और बाकी सब क्या कर रहे होंगे कि मैं किसके वीडियोस बढ़ाऊं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन थ्रू 5 सेंसेस, हमारे दिमाग जो देखता है दिन भर, जो सुनता है, जो समझता है,
फाइव सेंसर्स के थ्रू हमारे ब्रेन के पास क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, उसी तरह से हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो मेरी वर्कशॉप में आया था 10 दिन की, उसको गाइड किया गया, पहले से वो बहुत अच्छा गाइड किया हुआ था उसके सर के थ्रू। 9th 8th की बात है, अभी आपकी उम्र है ना 8th की, वो 8th की बात है, 8th में उसने लगभग 200 सक्सेस बुक्स पढ़ ली थी, 200 सक्सेस बुक्स, जिसमें बुक्स कौन कौन सी थी, सब बड़े बड़े रीडर्स मतलब राइटर्स की, आज बिल गेट्स की स्टोरी सब पढ़ चुका था। अब सिर्फ 3 महीने पहले मेरे पास आया वो और मुझसे बोलता है, बोले यार सर मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, मुझे 10 साल बाद मिलियन डॉलर्स कमाना है, तो मैं क्या करूं, मुझे मार्क जुकरबर्ग से पैसे या लोन कैसे मिल सकता है। इतना बड़ा सोच रहा था वो, आप में से कोई है जो इतना बड़ा सोच रहा है? मार्क जुकरबर्ग से 10th में कैसे लोन लूं, कैसे उनसे पैसा लूं, और वो उसकी क्लास में टॉप करने वाला बच्चा था, बट साथ में वो 10 साल बाद की प्लानिंग आज से कर रहा था। दैट इज एटीट्यूड। ये आपके साथ क्यों नहीं होता? उसके वो भी इसी ब्रेन के साथ आया संसार में, हम लोग भी इसी ब्रेन के साथ आए, वो इतना जबरदस्त कैसे सोच रहा है और हम क्यों नहीं सोच पाए? कभी आपने सोचा? हाँ, आज दिमाग पूरी तरह खुलने वाला है बॉस। क्या होने वाला है? हाँ, आज जो मस्ती की लाइफ है ना, उससे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी जिंदगी को। हम क्यों नहीं सोच सकते ऐसा? तो कहा गया है कि आप जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा पैसे नहीं बना सकते। क्या कहा गया है? आप जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा पैसे नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको सोचना बड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना बड़ा करना पड़ेगा। देर आर टू कैटेगरी ऑफ बुक्स, दो कैटेगरीज होती हैं बुक्स की। एक होती है कोर्स बुक। कौन सी होती है कोर्स बुक? कौन सी होती है? जो आप आज पढ़ रहे हो, दैट इज थियोरेटिकल। कुछ थियोरी नॉलेज होता है उसके अंदर, जिससे हमारी एग्जाम पास होती है। और कुछ बुक्स होती है सक्सेस बुक्स। क्या होती है? थ्योरी बुक्स, जो आपको थोड़ा डेवलप करने के लिए बनाई जाती है कोर्स बुक। और सक्सेस बुक, जो प्रैक्टिकल लोगों ने अपनी जिंदगी के ऊपर लिखी है कि यार मैं ऐसे सक्सेसफुल हुआ, मैंने $1 बिलियन पैसा ऐसे कमाया, मेरे को ये प्रॉब्लम्स हुई और उसके बाद मैंने इस तरह से स्ट्रगल किया और मैं आगे आया। ये होता है सक्सेस बुक्स, जो प्रैक्टिकली लिखी जाती हैं और प्रैक्टिकली उनकी जिंदगी पे आधारित होती है। सक्सेस बुक आप में से कोई पढ़ता है? उसने 200 पढ़ी थी, तो वो कितना बड़ा सोच रहा था कि इस 10th में $1 मिलियन का बिजनेस कैसे बनाऊं। और आपने एक भी नहीं पढ़ी है तो आप सिर्फ ये सोच सकते हो कि मैं 12th के बाद नौकरी कैसे करूं, या अपने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी कैसे करूं, इससे ऊपर आप नहीं सोच सकते। तो ऐसे लोगों के पास आपको रहना पड़ेगा। तो लीडर्स आर रीडर्स। क्या थे वो? हमने देखा है ना कि वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, क्योंकि वो रीडर्स थे। कोर्स बुक के तो थे, साथ के अंदर वो किस बुक के थे? सक्सेस बुक के रीडर्स थे। वो सक्सेस बुक इस उम्र में भी पढ़ते थे, जब आप लोग हो इस उम्र में भी वो सक्सेस बुक पढ़ते थे। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये ऑल आर रीडर्स। क्या थे? इन्होंने बड़ी बड़ी सक्सेस बुक पढ़ी है। इसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्स की बुक नहीं पढ़ी। कोर्स की बुक के साथ सक्सेस मिले ना मिले, पॉसिबल है ना है, लेकिन सक्सेस बुक के साथ सक्सेस मिलती ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े ही नहीं लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हो गए, और हम उनके उदाहरण भी देते हैं। गलत है, उन्होंने पढ़ा है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ी और वो आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और कभी कभी हमने देखा ना, 90% वाला पीछे रह जाता है, 70% वाला उसको नौकरी दे देता है। ऐसा क्यों होता है? होता है ऐसा? 100% होता है, 100% होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सक्सेस बुक्स है। क्या है? सक्सेस बुक्स। तो हमको हमारी जिंदगी में इन सक्सेस बुक्स को लाना पड़ेगा। मेरा जो आज आने का मोटिव है, जो आपको समझाने का मोटिव है, वो इन रेस के साथ आपको जोड़ना है।
कि यार इस उम्र में मैं आपको ये बता सकूं कि आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे, सिर्फ कोर्स की बुक के थ्रू शायद मुझे लगता है यस और नो, बट सक्सेस बुक डेफिनेटली यस, आप जीतोगे।